हेलो एवरीवन, इजी बिजी किचन में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं पिज्जा सॉस। पिज्जा टॉपिंग के लिए हमें चाहिए फ्रेश किए हुए ऐसे टमाटर। इस टमाटर को हम ऐसे चीरा लगा देंगे ऐसे ही। इसी प्रकार से हमने सारे स्किन में कर दिए हैं। टमाटर के साथ साथ हमें चाहिए चॉप्स कटे हुए महीन बारीक गार्लिक। ये है हमारी फ्रेश ये तुलसी के पत्ते, चिली फ्लेक्स, शुगर 1 स्पून, 2 स्पून टमाटर सॉस, टमाटर प्यूरी, 2 टमाटर की ये महीन बारीक कटे हुए प्याज, सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर। प्रोसेस शुरू करते हैं। हम पहले फ्लेम ऑन कर लेंगे और गर्म पानी रख देंगे। इसमें हम लोग ये कट किए हुए टमाटर डाल देंगे और उबलने के लिए ढक्कन लगा के 10 मिनट के लिए तब तक उबालेंगे जब तक इसकी स्किन अलग ना हो जाए इससे। 10 मिनट बाद देखिए ये हमारी उबल चुके हैं, इसकी स्किन भी इस तरीके से निकल चुकी है। इसको 10 मिनट के लिए फिर और छोड़ देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए, आपको छीलने में इसकी स्किन निकालने में आसानी रहे। सारे हम इसी पर देखिए इसको हमने इसको रफली चॉप कर लेंगे। अब हमें एक कढ़ाई रखेंगे, उसमें हल्का सा 2 चम्मच ऑयल डाल दिया है, वेजिटेबल ऑयल। अब इसको हम इसमें प्याज गुलाबी होने तक की भुनेंगे। ये हमारा हल्का पिंक हो चुका है। अब हम लोग इसमें हर्ब्स डालेंगे, हमने बेजिल लीफ डाली है और चिली फ्लेक्स डाल लेंगे और हर्ब्स भी। अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे गार्लिक, चॉप्स कटे हुए गार्लिक, रफली कटे हुए टमाटो। अब इसको अच्छे से पकने देंगे, अच्छे से पकने देंगे जब तक ये पूरा मिक्स ना हो जाए। इसी में ऐड कर देंगे हम लोग जो टमाटर रफली प्यूरी बनाई थी। इसमें ऐड करेंगे हम लोग टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट, शुगर, ब्लैक पेपर। मिक्स होने दें। ये देखिए हमारी बन चुकी है अच्छे से। अब इसमें हम लोग लास्ट में ऐड करेंगे टमाटर सॉस एंड टेस्ट के हल्का सा स्पून भर विनेगर। ये पिकाने के लिए है, जैसे हम लोग रखेंगे महीना भर तो भी ज़्यादा चल जाए, विनेगर इसलिए डाला जा रहा। ये देखिए हमारी पिज्जा टॉपिंग सॉस बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल होममेड पिज्जा सॉस। आप इसको 1 मंथ तक की फ्रिज में रख के आप स्टोर कर सकते हो। देखिए हमारी पिज्जा सॉस